हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बोलूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कबूतर बाजी भी खोलो भाई। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कबूतरों के पानी का कुंडा कैसे साफ करें। दोस्तों, कबूतरों का कुंडा साफ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर दोस्तों काई जम जाती है, कबूतर बीमार होते हैं दोस्तों पानी पीने से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे कबूतर का पानी पीने का कितना गंदा है। दोस्तों, इसको मैं भी साफ़ करने जा रहा हूँ और साफ़ करने के बाद देखना आप दोस्तों कैसे रहते हैं। दोस्तों, साफ़ करने के लिए आपको ये नायलून, दोस्तों मैंने नायलून से बनाया है। मेरे पास नायलून था दोस्तों, जब हम पतंग उड़ाते थे तो उसका नायलून था दोस्तों, गुत्था हुआ है, तो हमने ऐसे पूरा जमा करे। अब दोस्तों इसको मैं पूरा एकदम गर्म करता हूँ और दोस्तों देखो इससे कितना अच्छा साफ होता है। दोस्तों, अगर आप कपड़े धोने के ब्रश से साफ करेंगे या और कोई चीज़ से साफ करेंगे, इट करते हो गया दोस्तों, उससे भी अच्छा साफ नहीं होगा, मगर इससे बहुत अच्छा साफ होता है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं कैसे साफ करता हूँ। ये दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी रहने को ना, थोड़ा सा। दोस्तों, आप इसको ऐसे मतलब आप अपने टाके को देखना, वो कैसा चिकना चिकना हो जाता है, और इसको घसने के बाद देखना कितना खद्दूड़ हो गए। ऐसे दोस्तों एक बार, एक या दो बार ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। दोस्तों, इसको पूरा अच्छे से रगड़ लीजिए। दोस्तों, देख सकते हो मैं अभी क्या कैसा घुमा रहा हूँ इसको। दोस्तों, ये टाका है मेरा कबूतरों का पानी पीने का और ये नायलून है, इसको मैंने बस ऐसे गया, ऐसे घुमाया बस। कम से कम 30 सेकंड तक के आपको ऐसे घुमाना है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखना टाका कितना सफा हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको आप साफ पानी से धो लो एक बार। दोस्तों, ऐसे कर लो एक बार साफ पानी से, इसको पलटा दो, देख सकते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों, पानी पीने का कुंडा कभी भी 2 लीटर या 3 लीटर का रखिए दोस्तों, ज़्यादा बड़ा पानी पीने का नहीं रखिए। और पानी पीने का कुंडा कभी भी दोस्तों ढक के रखिए, अगर आपको नीलाना है दोस्तों तो बड़े बर्तन में नीलाइए। और दोस्तों, कबूतरों का पानी पीने का कुंडा हर 2 से 3 दिन में दोस्तों हमेशा साफ कर रखिए, उससे आपके कबूतर अच्छे रहेंगे दोस्तों, और हमेशा ताज़ा पानी डालिए दोस्तों। और ये साफ करने के बाद दोस्तों, अगर आपने शाम में कबूतर बंद कर दिया दोस्तों, तो इसको पानी पलटा के दोस्तों इसको आंधा मार के रख दीजिए अपनी कच्ची में, और रोज इसमें नया आके ताज़ा पानी डालिए दोस्तों, इससे कबूतर अच्छे रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होगी दोस्तों तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।